कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। मंडी में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन एनडीए सरकार के कार्यकाल में बंद हुई थी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस ने राजस्थान से पुरानी पेंशन बहाली की शुरुआत की है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे बहाल कर दिया जाएगा। श्री जयराम सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल है वो बहुत ही निराशाजनक रहा है, तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में फैक्टर 2 लागू करेंगे और ये चुनाव घोषणा पत्र में डालेंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, हिमाचल में फैक्टर 2 लागू करेंगे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो आज तक एक भी बैठक नहीं कर पाई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा।